न्यूज 36 के जम्मो दर्शक मन ला जय जोहार। और अभी बेरा है प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर ला फटाफट अंदाज में देखे के, तो चला देखथन खबर हकन के। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बहू ऋचा जोगी ला हाई कोर्ट ले मिली बड़का राहत। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला मा कोर्ट हर ऋचा के अग्रिम जमानत याचिका करी स्वीकार। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के केस मा दर्ज हो रही FIR। विधानसभा चुनाव ले के सियासी गलियारा मा मचे हुए घमासान। ये बीच स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव एक बार फिर CM पद के दावेदारी ले के दिहिस बड़का बयान। छत्तीसगढ़ मा अगला मुख्यमंत्री के चेहरा के सवाल मा सिंहदेव कहिस अभी TS बाबा के नहीं लगे है नंबर। गरियाबंद फिंगेश्वर के ग्राम बोरिद मा खेत कना सोच गए अधेड़ महिला ला दंतेल हाथी है उतारिस मौत के घाट। मामला मा वन विभाग के उदासीन रवैया ले ग्रामीण मन में खासा आक्रोश। कवर्धा में झंडा हटाए ले के गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदर्शन हुई हिंसक। विवाद सुलझाए पहुंचे पुलिस टीम ऊपर पार्टी के लोगन लाठी डंडा ले करी हमला। SP समेत 16 पुलिस कर्मी हुई घायल। फिलहाल मौका में 200 पुलिस कर्मी करे गए तैनात। बीजापुर उसूर पोटा के बीन के स्कूल में चूल्हा ऊपर रखे चावल के गंज में गिरीस मासूम। बुरा तरह ले झुलसीस 5 बछर के छात्र। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। विभागीय अफसर छात्र ल देखे पहुंची अस्पताल। जांजगीर चांपा में शराब पी के स्कूल आना शिक्षक ल पड़ीस भारी। तत्काल प्रभाव ले निलंबन के गिरीस गाज। शासकीय प्राथमिक शाला धारा सिंह में पदस्थ सहायक शिक्षक दिलेश्वर प्रसाद सिदार ल करे गए निलंबित। महासमुंद बाग बाहरा थाना क्षेत्र के जय गुरुदेव मानस आश्रम पतेरा पाली मा नाबालिग ला जलाए और मारपीट मामला मा आश्रम के गुरु रमेश ठाकुर ला करे गिस गिरफ्तार। अवैध आश्रम मा सेवादार मन लड़की के मुंह मा डाले रहिन जलत लकड़ी। कांकेर शहर से लगे डुमाली गांव मा खुले आम घूमत दिखी से एक जंगली भालू। रिहायशी इलाका मा भालू के दिखे ले दहशत में लोगन। जंगल ले भोजन पानी के तलाश मा शहर मा देवत दस्तक। बालोद में श्रमिक मन ले भरे पिकअप पलटे ले 20 महिला हुई घायल। 30 ले ज्यादा महिला खेत में मजदूरी बर जावत रहीन ग्राम भिंडी ले नहंदा। डोंडी लोहारा थाना स्थित खैरी डीही गांव कना हुई हादसा। बिलासपुर में हिंदू नववर्ष में निकली भव्य शोभा यात्रा। सम्राट विक्रमादित्य हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के हुई बैठक। नवा कार्यकारिणी के करे गई गठन। धनिया ले रविकांत राजवाड़ी अध्यक्ष तथा तामेश्वर साहू और जयशंकर ल देहे गई उपाध्यक्ष के जिम्मेदारी। 22 मार्च के भव्य आकर्षक श्री राम दरबार झांकी के संग निकली शोभा यात्रा। होली में पूजा अर्चना के बाद मुख्य मार्ग हुआ मचखंडा में शोभा यात्रा के हुई समापन। जगह जगह पुष्प वर्षा ले हुई स्वागत। सबो सदस्य ला बांटे गई जिम्मेदारी। मौका में प्रमुख रूप से दीपक शर्मा तुषार चंद्राकर ललित यादव समेत समिति के सबो सदस्य रहिन मौजूद। धमतरी की नगरी जनपद पंचायत सभा कक्ष में होली पर्व शांति और सद्भावपूर्ण मनाए बर शांति समिति के बैठक हुई संपन्न। SDM गीता रायस तहा होलिका दहन होली पर्व संबंधित सुरक्षा बर पुलिस पेट्रोलिंग तैनाती और अस्पताल में 24 घंटा चिकित्सक मन के ड्यूटी समेत अन्य विषय में चर्चा और होली पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए के करी अपील। धमतरी नगरी में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हा अपन मांग ला लेके रैली प्रदर्शन कर सौंपी ज्ञापन। आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन के प्रथम चरण के 3 मार्च के आंदोलन में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम में SDM गीता रायस्त ला सौंपे गए ज्ञापन। वेतन विसंगति दूर करे LB संवर्ग के कर्मचारी मन के पूर्व सेवा के गणना कर लाभ देहे पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट शासन सौंपे। 38% महंगाई भत्ता और 7वां वेतन मान मा गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करे के रखे गए मांग। मांग पूरा नहीं करे जाए मा 18 मार्च के रायपुर मा महारैली निकाले के ही तैयारी। फटाफट अंदाज मा आप मन बर और खबर लेके आवो। तब तक देखत रहा न्यूज 36।